मेरा नाम है हैदर अली और मैं इस चैनल पे लाल लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो LIS को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपसे कोई लेक्चर मिस ना हो पाए। और अगर आप मेरे लेक्चर्स फेसबुक पे सुनना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू अगेन टू माई चैनल LIS। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है साइबर लॉज। अब साइबर लॉज में हम जो पहला कानून पढ़ने वाले हैं, पहला एक्ट पढ़ने वाले हैं, वो है द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। अब ये जिस जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जो किए जाते हैं किसी डिवाइस को यूज़ करते हुए, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करते हुए क्राइम कमिट किए जाते हैं, उसके लिए, उनको रोकने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। अब वो कौन कौन से क्राइम्स होंगे या कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगी, उसको आगे जाके डिफाइन किया गया है इस एक्ट के अंदर। पहले इस एक्ट का ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। अब ये एक्ट उन अनऑथोराइज्ड एक्ट्स को, मतलब कि उन अमल को जो जिनको करने की इजाज़त नहीं दी गई किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, उसकी डेफिनेशन आगे दी गई है। अभी आप ये जान लें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम वो होता है जिससे आप कोई डेटा जनरेट करते हैं, किसी को कोई डेटा सेंड करते हैं, किसी से कोई डेटा रिसीव करते हैं, या कोई भी ऐसा कोई अमल करने वाली कोई डिवाइस, उसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो ऐसा कोई क्राइम, कोई ऑफेंस ऐसे किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए किया जाए, अनऑथोराइज ऑफेंस मतलब एक्ट्स, वो एक्ट्स जिनकी इजाज़त नहीं दी गई वो किए जाए, उनको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। और अगर वो एक्ट कमिट हो जाता है, वो अमल कमिट हो जाता है, वो ऑफेंस कमिट हो जाता है, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी प्रोसिक्यूशन, उसका ट्रायल कैसे होगा, और उस मुजरिम को पकड़ने के लिए, उस ऑफेंडर को या एक्यूज को पकड़ने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे की जाएगी, उस सब को ये एक्ट डिफाइन करता है। और ये सब इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पे इस एक्ट का ऑब्जेक्ट जाना। अब आगे जाते हैं, सेक्शन वाइज इसको पढ़ते हैं। पहला तो आ जाता है इसका सेक्शन 1, जो शॉर्ट टाइटल हर एक्ट की तरह डिफाइन करता है कि इस एक्ट को क्या कहा जाएगा। इस एक्ट को द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 कहा जाएगा, कि उन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करते हुए की जा रही हैं, उनको रोकने के लिए ये जो है एक्ट बनाया गया है, और इस एक्ट का नाम भी यही होगा। अब ये कहाँ कहाँ तक इसकी एक्सटेंड है, मतलब कि किन किन इलाकों तक ये जो है अप्लीकेबल है, तो ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लीकेबल है, पूरी पाकिस्तान की टेरिटरी पे अप्लीकेबल है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कहीं पे कोई क्राइम कमिट हुआ, ऑफेंस कमिट हुआ इस एक्ट के अंदर, तो उन पे ये एक्ट अप्लीकेबल होगा। अब किन किन लोगों पे ये अप्लीकेबल है, पहले तो ये हर पाकिस्तानी पे अप्लीकेबल है, कि वो पाकिस्तानी भले पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात आ गई कि वो पाकिस्तान के अंदर रह के क्राइम कमिट कर रहा है, कोई क्राइम कोई ऑफेंस जो इस एक्ट के अंदर आता है वो कमिट कर रहा है, या पाकिस्तान से बाहर रहते हुए कमिट कर रहा है, फिर भी उसके ऊपर ये एक्ट जो है अप्लीकेबल होगा। या कोई शख्स भले वो फॉरनर है, कहीं दूसरे कंट्री का है, किसी दूसरे कंट्री का है, वो पाकिस्तान की टेरिटरीज के अंदर है, और वो पाकिस्तान की टेरिटरीज के अंदर रहते हुए कोई क्राइम कमिट कर रहा है, कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है जो इस एक्ट के अंदर आते हैं, उन पे भी ये एक्ट अप्लीकेबल होगा। या कोई ऐसा शख्स है जो बैठा तो बाहर हुआ है, पाकिस्तानी भी नहीं है, पर वो कोई ऐसा क्राइम ऑफेंस जो है कमिट कर रहा है, उसका कोई ऐसा अमल कर रहा है जिससे पाकिस्तान में रहते हुए किसी शख्स को नुकसान पहुंच रहा है, या उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम को, मतलब कि उसकी किसी डिवाइस को नुकसान पहुँच रहा है, उसकी डिवाइस पर वो जो है असरअंदाज हो रहा है, उसकी डिवाइस को हैक कर लिया गया या कोई भी ऐसा अमल, तो उस पर भी ये एक्ट अप्लीकेबल होगा, उसको भी जो है सज़ा इस एक्ट के तहत दी जा सकती है। तो ये तो उसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड अप्लीकेशन हो गई सेक्शन 1 में। अब सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशंस बताई गई हैं। अब पहले तो ये बताया गया है कि इस एक्ट के अंदर अनलेस कोई ऐसी जो है कॉन्टेक्स्ट, किसी सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा है कि इस वर्ड की मीनिंग कोई दूसरी निकल रही है, उसको वैसे ही पढ़ा जाएगा, पर जो ये वर्ड्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं उनको आगे जाके इस एक्ट के अंदर कोई भी कहीं पे भी कहीं पे किसी भी सेक्शन के अंदर इनमें से कोई वर्ड आता है तो आप इसकी जो है इंटरप्रिटेशन ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे सेक्शन 2 में दी गई है। अब पहला जो इसमें सब क्लॉज है वो है एक्ट। अब एक्ट क्या क्या है,
पहला तो आ जाता है अ सीरीज ऑफ एक्ट्स। अब मतलब कि ऐसे अमल या ओमिशंस जो इस एक्ट की, इस कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, वो एक्ट कहा जाएगा, वो अमल कहा जाएगा। तो वो एक्ट जो इस कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, एक्ट हो या ओमिशन हो, दोनों आ जाएंगे इसमें, तो वो जो है इस एक्ट के अंदर उसको एक्ट कहा जाएगा। उसके बाद वो एक्ट जो किया जा रहा है, वो अमल जो किया जा रहा है इस जो है इस कानून की खिलाफवर्जी करते हुए, वो चाहे वो शख्स खुद करे या किसी जो है सेल्फ एग्जीक्यूटिंग डिवाइस को या किसी ऑटोनोमस डिवाइस को जो है यूज़ करते हुए करे। अब ऑटोमेटेड मशीन, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग डिवाइस, एडेप्टिव या ऑटोनोमस डिवाइसेस कौन सी होती हैं? वो डिवाइसेस होती हैं जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती हैं। जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ा होगा कि अभी जो डिवाइसेस आ गई हैं, आप उसको यूज़ करते हुए आप उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उस पर अमल दरामद खुद करती हैं, आपको बार बार उसको ऑपरेट नहीं करना पड़ता। तो उन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए भी आपने इनडायरेक्टली कोई एक्ट कमिट किया, या तो खुद किया, बैठ के ऑपरेट किया, ऑपरेट करते हुए किसी डिवाइस को जो है यूज़ करते हुए आपने कोई एक्ट कमिट कर लिया, कोई क्राइम कमिट कर लिया, वो भी इसमें आ गया, या किसी ऑटोनोमस डिवाइस को यूज़ करते हुए, मतलब आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी और वो डे बाय डे जो है खुद उसको जो है उस अमल को दोहराता जा रहा है, या कोई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कोई अमल जो है मुकम्मल कर रहा है, तो वो इस एक्ट के अंदर आएगा, वो इस एक्ट के ज़ुमरे में आ जाएगा। मतलब ऐसा समझा जाएगा कि वो एक्ट आप खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आपने दी हैं या उस डिवाइस को ऑपरेट इनडायरेक्टली आप ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद जो इसका टू दिया गया है वो है एक्सेस टू डेटा। अब एक्सेस टू डेटा मतलब कि आप किसी की डेटा तक रसाई हासिल कर सकते हैं, कर देते हैं, और उस तक रसाई हासिल करने के बाद आप पर इतनी एबिलिटी आ जाती है, आप मतलब कि इतने एल हो जाते हैं, उस तक रसाई हासिल इतनी हो जाती है आपको कि आप उस डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, आप उस डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब मॉडिफाई क्या होगा कि आपने उसको एडिट कर दिया, आपने कुछ उसमें अल्ट्रेशन कर दी, कुछ चेंजिंग कर दी, मॉडिफिकेशन आपने कर दी उसमें, या उस डेटा को कॉपी कर सकते हैं। तो इतनी जो आप जो है रसाई हासिल कर देते हैं, जिसके बाद आप कॉपी भी कर सकते हैं उस डेटा को, या उसको डिलीट कर सकते हैं, या उसको आप उसमें कोई चेंजिंग ला सकते हैं, तो उसको एक्सेस टू डेटा कहा जाएगा। अब वो डेटा किसी भी डिवाइस में या तो पहले से मौजूद थी, या वो डेटा उस डिवाइस में जनरेट की गई, उस डिवाइस के ओनर ने जनरेट की थी, बनाई थी, तो उस डेटा को आप कॉपी कर रहे हैं या उसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि आपको इसमें चेंजिंग ला रहे हैं, या उसको डिलीट करने की जो हालत में आ जाते हैं, आप इतनी रसाई उसमें हासिल कर लेते हैं, तो उसको एक्सेस टू डेटा कहा जाएगा। अब उसके बाद जो है, उसके बाद है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन आगे दी गई है। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कि कोई ऐसी डिवाइस जिससे आप कोई डेटा सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उसको जनरेट कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाएगा। अब उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप उस पर जो है कंट्रोल हासिल कर लें, उसके पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम में या उसके किसी पार्ट में, आप किसी पर्टिकुलर डेटा तक रसाई हासिल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में, डिवाइस में, डिवाइस की, तो उसको हम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम कहेंगे। अब वो जो है उसकी सिक्योरिटी को तोड़ के आप कर रहे हैं, या सिक्योरिटी को आपने नहीं तोड़ा, उसमें वैसे ही आपको जो है किसी ने दे दिया, किसी का मोबाइल पड़ा हुआ था, आपको पासवर्ड पता है, आपने उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम तक उसकी रसाई हासिल करना शुरू कर दी, तो इसको हम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम कहेंगे। अब एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कि आप उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम तक सिर्फ रसाई हासिल कर रहे हैं। अब उसमें मेलाफाइड इंटेंशन होगी तो वो ऑफेंस होगा, या वो एक्ट, इस एक्ट के अंदर कोई ऐसा अमल मना किया गया है, आप उसके साथ उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ वो कर रहे हैं, तो फिर वो ऑफेंस कहलाएगा। फिलहाल जो इसकी डेफिनेशन है उसकी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम की, वो यही है। अब इसका फॉर्म में अथॉरिटी दी गई है। अब अथॉरिटी क्या है इस एक्ट के अंदर? अथॉरिटी है पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो इस्टेब्लिश की गई है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 के तहत। तो इस अथॉरिटी जो इस एक्ट के अंदर जो अथॉरिटी डिफाइन की गई है वो पीटीए है। आप सिर्फ यहाँ तक ये समझ। अब उसके बाद है अथोराइजेशन। अथोराइजेशन क्या होता है कि अथोराइजेशन मतलब कि किसी भी शख्स को, किसी भी जो है बंदे को, उसको अथॉरिटी ऑफ लॉ के तहत
जो है कई डेटा को या इंफॉर्मेशन सिस्टम को तक रसाई हासिल करने की, तो उसको ऑथोराइजेशन कहा जाएगा कि उसको लॉ ने एम्पावर्ड किया है। अब इसके बाद इसमें प्रोवाइडेड जो दिया गया है प्रोवाइडेड डेट के उस इंफॉर्मेशन सिस्टम या जो है किसी डेटा को पब्लिक तक, जनरल पब्लिक तक रसाई जो उसकी इजाज़त दी गई है, उस लॉ ने इजाज़त दी है उसकी रसाई को, या जिस शख्स ने उसको बनाया है वो जो है वो उस डेटा को या इन्फॉर्मेशन सिस्टम को लोगों तक पहुंचाने की जो है इजाज़त दे रहा है कि आप कोई भी इस पर जो है रसाई हासिल कर सकता है, तो वो भी अथोराइज डेटा माना जाएगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप इसको यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये एक अथोराइज डेटा है मेरी तरफ से कि आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, जनरल पब्लिक को इजाज़त दें। तो ये सेक्शन जो है सब सेक्शन 5 में ये अथोराइजेशन की डेफिनेशन दी गई है, उसमें ये भी इंक्लूड हो जाता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, इंशाल्लाह इस डेफिनेशन क्लॉज को जो हम आगे लेके चलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।